हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति की तरफ से आने वाली उनकी सबसे प्रीमियम हैचबैक जो है मारुति सुजुकी बलेनो। तो आज हम जो इसका वेरिएंट देखने वाले हैं ना, ये इसका ऑलमोस्ट एक फीचर लोडेड वेरिएंट है जो लोग काफ़ी सेंस बनाता है जब ये लोग खरीदते हैं, क्योंकि जो टॉप एंड वेरिएंट है ना उसमें ऐसे फीचर्स है जो रोज़ के काम में नहीं आते, मतलब रोज़ आप उसे यूज़ भी नहीं करते। पर ये एक ऐसा वेरिएंट है जो प्रीमियम हैचबैक की डेफिनेशन को प्रॉपरली कंप्लीट करता है, मतलब इसमें आपको जो फीचर्स है बलेनो के मेन सब आपको इसमें दिए गए हैं। हाँ, मतलब थोड़े फीचर्स इसमें नहीं है क्योंकि ये टॉप मॉडल वैसे नहीं है, इसलिए फिर भी यहाँ पे आज हम देखने वाले इसका टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट जो है जेटा। इसमें ऐसे वेरिएंट्स आते हैं, पहला तो आता है बेस सिग्मा, फिर उसके ऊपर डेल्टा, वो सबसे वैल्यू फॉर मनी रहता है। उसके बाद आता है ये जेटा और उसके ऊपर आता है अल्फ़ा। तो जो तीन वेरिएंट्स है ऊपर के जो है डेल्टा जेटा और अल्फ़ा में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें 5 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन आता है, पहले CVT आता था पर अब इसमें AMT आपको मिलेगा। तो आज हम देखने वाले हैं सुजुकी बलेनो का जेटा AMT वेरिएंट जो ऑटोमेटिक है। इसमें मैनुअल का भी आता है ऑप्शन और ये ऑटोमेटिक का भी आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें क्या फीचर्स आने वाले हैं, जेटा में आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं, कितनी वैल्यू फॉर मनी है, क्यों ये ख़रीदना चाहिए, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से ही। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो प्रीमियमनेस है इसी चाबी से ही चालू होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कीलेस एंट्री वाली यहाँ पे आपको की मिलती है, जिसमें आपको सिर्फ लॉक एंड अनलॉक के बटन से अनफॉर्चुनेटली। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि मारुति की जैसे सब गाड़ियों में यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो पैसेंजर साइड है वहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, तो वो एक अच्छी बात है। अब आते हैं इसके पूरी ओवरऑल लुक पे। तो ये हैचबैक है तो अब मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा एक जो इनकी फ्रॉन्क्स है वो उसे प्रेफर कर रहे हैं, फिर भी जिसको सिर्फ हैचबैक ही चाहिए वो इसे ज़रूर देख सकते हैं। तो अगर आप बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पे ये है इसका जेटा वेरिएंट। तो जेटा वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस करीबन 9 लाख आती है, ऑलमोस्ट 9 लाख की आती है, जो करीबन मुंबई में ऑन रोड 10.5 लाख की पड़ती है, 10.5 लाख की पड़ती है। जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगी ना मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। और इसका जो जेटा मैनुअल है वो इससे 50,000 कम पड़ता है, वो करीबन 8.3 लाख के एक शोरूम पर आता है और वो अराउंड 10 लाख या 10.25 लाख का ऑन रोड पड़ता है। उसकी भी एग्जैक्ट प्राइस अब स्क्रीन पर मेंशन रहेगी। अब बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट सेम पहले वाले जैसी, उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, पर फिर भी आपको काफ़ी इसके जो चेंजेस हैं काफ़ी पसंद आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा क्रोम फिनिश दिया गया है, ग्रिल भी काफ़ी अच्छी लगती है, सुजुकी का लोगो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके हेडलैम्प्स सेम टॉप वेरिएंट जैसे ही आते हैं, आपको टॉप एंड वेरिएंट में भी जाओगे ना तो आपको सेम मिलेंगे। यहाँ पे आपको 3 LED रियानस दिए गए हैं, मतलब जो शेप है, और यहाँ पे आप प्रोजेक्टर सेटअप में देख सकते हैं इसका पूरा हेडलैम्प। नीचे अगर आप देख रहे हैं ना तो हाँ, यहाँ पे आप पता चला सकते हैं कि ये जेटा वेरिएंट है, क्योंकि इसमें कंपनी से कोई फॉग लैम्प्स नहीं आते, अल्फा मॉडल में आपको यहाँ पे फॉग लैम्प्स दिए जाते हैं। तो हाँ, एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि आपको जेटा में कोई फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, अभी भी इस गाड़ी को सनरूफ नहीं आती जो इसकी कॉम्पिटिशन अल्ट्रोजर i20 में अब आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इसका साइड प्रोफाइल, 4 मीटर के अंदर ही गाड़ी आती है। और यहाँ पे भी आप पता चला सकते हैं कि ये जेटा वेरिएंट है, कैसे कि यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स तो ज़रूर दिए गए हैं, पर ये टॉप वेरिएंट जैसे नहीं है, ये डायमंड कट वाले नहीं है, ये ज़रूर एलॉय है, ये व्हील कैप नहीं है। फिर भी यहाँ पे आपको कुछ अलग सी डिज़ाइन नहीं दी गई है, सिर्फ इसमें वो डायमंड कट वाला डिज़ाइन नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में डिस्क है, पीछे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं ड्रम ब्रेक्स, यहाँ पे आपको कोई डिस्क ब्रेक्स ऑल फोर नहीं मिलते। 37 लीटर्स की यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक दी गई है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे शार्कफिन एंटीना नहीं दिया गया है, ये माइक्रोरूफ एंटीना आपको यहाँ पे दिखेगा। इंटीरियर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ इसका इंटीरियर दिखता है पूरा, आते हैं इस पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर पे, आप देख सकते हैं इंटीरियर में यहाँ पे आपको ब्लू फिनिश दी गई है, यहाँ पे आपको लेदर एंड फिनिश दी गई है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है जो काफ़ी प्रीमियम अप मार्केट फील देती है। यहाँ पे आपको अगर आप देख रहे हैं तो 1 लीटर की आप इसमें बॉटल भी आराम से रख सकते हैं। पीछे की लुक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आती है इसकी लुक, जो DRL जैसी डिज़ाइन आपको यहाँ पे पीछे भी दी गई है। नेक्सा की ब्रांडिंग मिलती है यहाँ पे आपको, अच्छी बात है कि वाइपर वॉशर दिया गया है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, डिफोकस आप देख रहे हैं, बलेनो की बैजिंग है। और यहाँ पे कोई वेरिएंट्स का वैसे भी बैजिंग मारुति की नेक्सा कार्स में नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं,
नीचे अगर आप दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा भी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कैमरा प्लस प्रॉपर 4 पार्किंग सेंसर्स, ये i20 में सिर्फ 2 आते हैं जिसमें प्रॉपर 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो वो भी इसका काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहाँ पे i20 में 311 लीटर का आता है, तो उसका अगर आप बूट स्पेस देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी सफिशिएंट है। 320 लीटर्स का यहाँ पे आपको बूट स्पेस दिया गया है, 318-319 वो फ्लक्चुएट समझिए। 60-40 स्प्लिट में आप यहाँ पे आपको सीट्स दी गई है, और सबसे अच्छी बात है क्या है कि जो स्पेयर व्हील है वो भी ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बूट साइज़ भी काफ़ी अच्छी साइज़ का है। यहाँ पर आपको पार्सल शेल्फ भी इसी वेरियंट में दी जाती है। अगर बात करते हैं हम पीछे की स्पेस की, तो पीछे का स्पेस भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। यहाँ पे सीट पूरी पीछे की है, इसलिए थोड़ा आप देख सकते हैं आपको उतनी जगह नहीं समझेगी, पर ये सीट पूरी अभी पीछे है, फिर भी मेरे लिए आराम से यहाँ पे स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है बैठने के लिए। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, और आप यहाँ पे प्रॉपर 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, वो भी एडजस्टेबल है। ये चेंजेस हुए थे बीच में जब सेफ्टी के लेके काफ़ी ये हुआ था। 3 पॉइंटर प्रॉपर सीट बेल्ट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो रीडिंग लैंप भी आपको प्रॉपर एक बीच में और आगे दिया गया है। नीचे अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉपर यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, एक USB का पोर्ट है और एक टाइप सी का पोर्ट है। तो वो एक अच्छी बात है कि सिर्फ टाइप सी नहीं दिया गया है, आपको दोनों टाइप के पोर्ट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई मैगजीन होल्डर नहीं दिया गया है, पर पैसेंजर साइड की सीट के पीछे आपको ज़रूर मैगजीन होल्डर दिया जाता है। अगर आप बात करते हैं जेटा वेरिएंट की, क्या खासियत है कि इसमें भी आपको 6 एयरबैग्स कंपनी देती है, तो वो एक अच्छी बात है कि जेटा वेरिएंट आप लेते हो तो 6 एयरबैग्स आपको ज़रूर मिलते हैं। डेल्टा और सिग्मा में अभी भी 2 ही दिए गए हैं, पर आपको अगर जेटा वेरिएंट लेते हैं तो आपको प्रॉपर 6 एयरबैग्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए एयरबैग सीट्स में है, तो इस पर आप कवर कौन सा भी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स आती है। और ये सीट्स भी है वो फैब्रिक की है और ना कि लेदर आई टी, हाइट एडजस्टेबल सीट्स दी गई है। और यहाँ पे अगर आप डोर देखते हैं सेम वो ही मैंने दिखाया था, ऑल 4 पावर विंडोज़, ब्लू कलर की फिनिश, 1 लीटर की बॉटल आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट का मतलब वो एडजस्टेबल ओवरियम सब दिया गया है। 4 स्पीकर, 2 ट्वीटर्स आ गए हैं इसमें। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका AMT ट्रांसमिशन जो है इसका 5 स्पीड का ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, पियानो फिनिश दी गई है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑन ऑफ का बटन अभी भी इसमें मिलता है, वो एक अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं इसकी पूरी इंटीरियर की, तो यहाँ पे क्या नहीं है आपको बता दो। तो यहाँ पे आपको जो नहीं मिलता वो भी बताता हूँ, पर फिर भी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, काफ़ी प्रीमियम लगता है इसका कैबिन, सब जगह पे काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, डिज़ाइन भी काफ़ी लोगों को पसंद आती है। थोड़ा रिपीटेटिव है, मतलब फ्रॉन्सर ग्रैंड विटारा में भी कुछ ऐसा ही दिखता है लेआउट, फिर भी ये डिज़ाइन काफ़ी लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको डी कट वाला स्टेयरिंग व्हील ज़रूर है, पर इसमें कोई लेदराइट फिनिश नहीं दी गई है। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे मिसिंग है जेटा वेरिएंट होने के बावजूद, अगर जेटा वेरिएंट में देते तो और वैल्यू फॉर मनी मिलता। 1.2 लीटर का ही इसमें इंजन आता है आपको, जो 90 BHP निकल रहा है। CNG के साथ आप ले सकते हैं, CNG भी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। और अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो आराम से ये आपको 18-19 की माइलेज दे देगी, अभी भी ये इतना देर चालू होने के बावजूद भी 14-15 की यहाँ पे आइडल स्टेट में भी दिखा रही है। तो आप जज कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी इस गाड़ी में। एक ही इंजन ऑप्शन आता है 90 BHP वाला, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको जो बटन्स दिए गए इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर एक साइज़ ये छोटा है, क्योंकि जो अल्फा वेरिएंट है उसमें पूरा 9 इंच का आता है, ये 7 इंच का है। और क्या है यहाँ पे आपको कॉल काटिया उठाने के लिए बटन्स दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी चेंज करने के लिए अभी भी यही आपको ये डंडी यूज़ करनी पड़ती है, तो वो एक थोड़ा अभी तक प्रीमियम ये चेंज होना चाहिए था कि अभी भी आपको ये बटन का यूज़ करना पड़ रहा है। बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि ये ग्राफिक्स नए हैं, भले ही स्क्रीन थोड़ी छोटी है पर ये ग्राफिक्स नए हैं, और इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, इतना कुछ ऐसा चेंज नहीं होता है इसमें। रिवर्स कैमरा ज़रूर आता है इसमें, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो रिवर्स आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो रिवर्स कैमरा की फीड कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आपको अलर्ट भी मिल रहा है और यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी दिए गए हैं।
तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ऑटो एसी दिया गया है जो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। ये इसका 5 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो AMT है, जिसे मारुति AGS कहता है, इसके ही 50,000 एक्स्ट्रा लगते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 212V का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे एक USB दिया गया है और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है की रखने के लिए स्पेस, मैनुअल हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट है वो स्लाइडेबल है और इसमें लेदर फिनिश भी दी गई है। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी स्पेस भी है, इतना कुछ मेरा हाथ अंदर जा रहा है। यहाँ पे अंदर देख रहे हैं ग्रे फिनिश दी गई है, और नीचे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसमें कूलिंग का कोई फंक्शन नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं डे नाइट वाला IRVM, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मिरर दिया गया है पैसेंजर साइड पे, यहाँ पे आपको हैलोजन की लाइट्स कैबिन में, और यहाँ पे आपको कोई मिरर नहीं दिया गया अनफॉर्चुनेटली। ये शायद आपको टॉप एंड वेरिएंट में इधर भी मिरर मिलता है। अभी क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपको कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया दे रही कंपनी, और हेडसअप डिस्प्ले वो सिर्फ आपको अल्फा वेरिएंट्स में ही मिलता है। तो एक बात है कि आपको थोड़े फीचर्स है उसमें आपको नहीं मिलते, पर फिर भी वो फीचर ऐसे कि आप वो आराम से स्किप कर सकते हैं। यही इसका अगर आपको लेना ही बलेन हो तो यही लीजिए। काफ़ी अमेजिंग हेडलाइट्स दिए गए हैं, अंदर का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम इंटीरियर्स मिलते हैं, तो एक सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है, और इसमें आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो यही थी इसकी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।